फैजाबाद में सिंचाई संघ के द्वारा जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। संघ के अध्यक्ष राजकुमार पांडे ने बताया कि सिंचाई संघ की मांगे शासन स्तर पर लंबित है, जिनका निस्तारण न होने से सदस्यों में कुंडा व्याप्त है। शासन व विभाग की टालमटोल नीति के कारण समस्याओं का निस्तारण न होने प्रांतीय संघ के द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन दिया गया। आज सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पे पूरे प्रदेश में हमारी 603 मांगों के समर्थन में धरना है और 3 बजे माननीय जिला अधिकारी महोदय के प्रतिनिधि ज्ञापन प्राप्त करने आएंगे। मुख्य समस्या हमारी सरकार से है। सरकार ने अभी तक हमारी चाहे सिंचपाल की नियमावली हो अभी नहीं बनाई। हमारे तमाम साथी ऐसे हैं जिनकी सेवाएं अगर जुड़ जाएं तो पुरानी पेंशन का लाभ उनको मिल जाए, ये काम नहीं हुआ है। हमें 2400 ग्रेड पे का लाभ नहीं दिया गया है। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो 6 बिंदुओं पे हैं, उसी का ज्ञापन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के माध्यम से हम लोग देंगे। आगे हैं कि हमारी सेवा नियमावली जो है सिंच प्रवेक्षक सेवा नियमावली, सिंचपाल सेवा नियमावली तो शासन में काफ़ी दिनों से लंबित है, उसको जो है पारित करा के अपने से पास कराया जाए और हम लोगों की वेतन विसंगति जो है हम लोग 2400 का गेट पे दिया जाए और हम लोगों को मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाए। News को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।